बिना किसी तथ्य का प्रताड़ना चल रहा है। तथ्य रहता तो फिर पूछताछ का क्या आवश्यकता था? इतना तो आतंकवादियों से पूछताछ नहीं हुआ है जितना कि राहुल और सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो गया है। आतंकवादियों से ज्यादा पूछताछ हो रहा है, आतंकवादी के तुलना में भी ज्यादा पूछताछ राहुल जी और सोनिया जी से हो चुका है। माल्या भाग गया, चौकसी भाग गया, वगैरह वगैरह भाग गए। यहाँ ललित मोदी हनीमून मना रहा है, आप गांधी परिवार 2-4-5 करोड़ के क्या है नहीं है किसी को कोई तथ्य भी अभी तक पता नहीं चला, उसके लिए रोज पूछताछे हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप एक्टिविस्ट देख रहे हैं। अभी हम पटना के गांधी मैदान में है, हमारे साथ विक्रम विधानसभा से विधायक सिद्धार्थ सिंह जी है। किस मांग को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हैं? नहीं, लगातार जो ईडी का प्रयोग कांग्रेस गांधी परिवार पर जिस तरह से प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है उसके विरोध में सत्ता की एजेंसियों को भाजपा की एजेंसियां बना दिए हैं मोदी जी, और भाजपा की एजेंसी बनकर ये एजेंसी जो है से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हो चाहे अध्यक्ष हो सबको प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ईडी का कार्रवाई आप लोगों को क्यों खराब लग रहा है? क्यों लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई सत्य? क्योंकि ईडी में तो कोई तथ्य है नहीं, तथ्य रहता तो कब का गिरफ्तारी हो गया होता, कब का लोग को पूछताछ चल रहा है ना, इससे क्यों आप लोग पूछताछ क्या चल रहा है? बिना किसी तथ्य का प्रताड़ना चल रहा है। तथ्य रहता तो फिर पूछताछ का क्या आवश्यकता था? इतना तो आतंकवादियों से पूछताछ नहीं हुआ है जितना कि राहुल और सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो गया है। आतंकवादियों से ज्यादा पूछताछ हो रहा है, आतंकवादी के तुलना में भी ज्यादा पूछताछ राहुल जी और सोनिया जी से हो चुका है। जो इतना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, माल्या भाग गया, चौकसी भाग गया, वगैरह वगैरह भाग गए। यहाँ ललित मोदी हनीमून मना रहा है, आप गांधी परिवार 2-4-5 करोड़ के क्या है नहीं है किसी को कोई तथ्य भी अभी तक पता नहीं चला, उसके लिए रोज पूछताछे हो रहा है। आप लोगों को नहीं चाह रहे हैं कि मतलब सच्चाई सामने आए, ईडी पूछे अच्छे? निश्चित रूप से चाह रहे हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए। सच्चाई को सामने अगर लाना है तो एजेंसी अपना काम करे। ये रोज ईडी ऑफिस बुला के प्रताड़ित करने का, एक बीमार वृद्ध महिला विधवा महिला को प्रताड़ित करने का काम बंद करे। प्रश्न है जो पूछना चाहता है, आखिर कौन कितना प्रश्न है जो पूछना चाहता है? ये हरासमेंट है। लोग ये सवाल अब कर रहे हैं कि अभी जीएसटी लगा है खाद्य सामग्री पर, इस पे कांग्रेस धरना नहीं कर रही लेकिन ईडी कार्रवाई कर रही है इस पे, दिल्ली से लेकर बिहार तक सड़कों पे कांग्रेस। अभी अभी हजारों के संख्या में हम ही ने धरना प्रदर्शन किया है, सुखाड़ घोषित, सुखाड़ को लेकर किए थे ना, लेकिन अभी जो खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगा, पहले खाद्य सामग्री बनेगा तब ना जीएसटी या यूएसपी लगेगा। पहले खाद्य सामग्री उपजबे नहीं करेगा खेत में, अगर खेत में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, खेत में बिजली नहीं दिया जाएगा, तो धान गेहूँ नहीं होगा, तो जीएसटी कौन सी पर लगेगा? तो हम तो मूल मुद्दा जो है सुखाड़ उसी पर हजारों लोग प्रदर्शन इसी स्थान पर किए हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि ईडी कार्रवाई रोक दे? मैं चाह रहा हूं कि ईडी सम्मानजनक तरीके से कार्रवाई करे, लेकिन रोज ईडी ऑफिस बुलाकर प्रताड़ित करने का काम ना करे। अभी राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से, गिरफ्तारी से किसी को कोई डर नहीं है, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, फांसी पड़ेगा, लेकिन सच्चाई बोलने का काम निरंतर लगातार हम लोग करते रहेंगे। हमारे साथ विक्रम से विधायक थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अपनी कार्रवाई करे, लेकिन बार बार बुला करके जो पूछताछ हो रही है, बीमार महिला है 75 साल की हो चुकी है उनको बार बार, और एक और ये विधवा की बात कर रहे हैं कि विधवा है, लेकिन वो खुद को अभी नहीं बोलती हैं कि हम विधवा हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि विधवा महिला है, वृद्ध महिला है, बीमार महिला है, उसको बार बार प्रताड़ना किया जा रहा है, बार बार बुला करके पूछताछ किया जा रहा है, ये गलत है, जो भी कार्रवाई है तुरंत उस पर किया जाए, सच्चाई सामने लाना चाहिए।